नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल डे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की। हम आपको बताएंगे ये कब मनाया जाता है और क्या है 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम आपको बताएंगे हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग, जिसमें भारत का है क्या स्थान। चलो शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, आज यानी 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को ये दुनिया भर के लोगों में खुशी के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को इसे मनाने का संकल्प लिया था। संयुक्त राष्ट्र के लिए इस दिवस को मनाने के पीछे मशहूर समाज सेवी जेमी एलियन के प्रयासों का नतीजा था। उन्हीं के विचारों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जनरल बान की मून को प्रेरित किया और अतः 20 मार्च 2013 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया। हम आपको बता दें क्या है साल 2021 की थीम। संयुक्त राष्ट्र के हर दिवस के लिए हर साल एक नई थीम जारी की जाती है, जिसके दायरे में वही दिवस मनाया जाता है, यानी उसी थीम पर फोकस कर उस दिवस को मनाया जाता है। इस साल कोविड-19 का प्रभाव जारी है, जो पिछले साल बहुत अधिक दिखा था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल की थीम है शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, थीम है शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। यह एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे संयुक्त राष्ट्र की ओर से बीते शुक्रवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भी जारी की गई। इसमें भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान मिला, जबकि फिनलैंड शीर्ष पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरह से जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 और उसके लोगों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021